finally we are here, and guess where? बीच पे चल रहे हैं और यहाँ बीच पे ऊंट भी चलते हैं और ये हमारे केके राइडर जी मीटर चलो तो हमारे कृतेश भी यहाँ बहुत आनंद में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम है, वहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा था और बीच में तो बिल्कुल क्राउड था ही नहीं, क्योंकि बीच की जगह थोड़ी ठीक नहीं थी। और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पे, वहाँ पे जाके करते हैं कुछ। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस और रूम पे जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। शानदार, बहुत शानदार था यहाँ पे एक्सपीरियंस। भैया पहली बार आ रहे हैं और मेरा थर्ड या फोर्थ टाइम था यहाँ पे। अभी रूम जाके थोड़ा नहा वहा कर कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरी थोड़ा। काफ़ी सारे बोट चल रहे हैं वहाँ पे, वो ये कुछ चीज़ रिंकू भैया ट्राई करने वाले हैं। अरे एक ऊंट पे चार लड़कियाँ बैठ गई, भी मतलब समस्या की बात है ये तो। और उसने सीढ़ी हटा दी और ये ना जाने अब क्या होगा। ऊँट के भविष्य को इन लड़कियों को सोचना चाहिए। ऊँट के भविष्य के साथ ये लड़कियां खिलवाड़ कर रही है। एक ऊँट के ऊपर चार लड़कियां बैठ गई हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊँट की शक्ल सूरत बहुत अच्छी लग रही है। ऊँट को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है, लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा डर रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊँट काफ़ी डरा हुआ लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर चार लड़कियां बैठी हुई हैं। ऊँट ज़्यादा परेशान है और ये टोपी वाले बाबा लाइफ गार्ड लिखा हुआ है उनकी कैप पे। अब पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरे पे क्या दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पर जो भी दिखा रहा हूँ ये प्राइवेट लाइफ गार्ड बना हुआ है ये। और हमारा होटल कहाँ है यही नहीं पता हमको, काफ़ी दूर आ गए हम।
टाइगर। सो पूरी की गलियों में घूम रहे हैं और साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। टेंगो भैया गाड़ी चला रहे हैं, पूरी की गली पे हम निकल पड़े हैं। उसके बाद वहाँ से कोणार्क, लेकिन सबसे पहले लंच। और हमारे लेफ्ट साइड पे सी बीच है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर से, और ये एक रास्ता है, बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये, और इस बीच में ही सी बीच का रोड जो है वो ख़त्म होता है, लेकिन बीच जो है बहुत बड़ा है, ये रोड ख़त्म होता है। तो ये है लाइट हाउस। आम का पेड़, लीची का पेड़, और ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये फूल है रुद्राक्ष के। तो काम खत्म हो गया है हमारा, और अभी हम वापस रूम पे जा रहे हैं। रूम से अपना राइडिंग जैकेट उठा करके वहाँ से सीधे कोणार्क के लिए निकलते हैं। गुड इवनिंग। सो अभी हम हैं चंद्रभागा पे, और वहाँ पे सनसेट हो रहा है, और शायद सनराइज़ कहीं वहाँ कहीं से सनराइज़ होता है, सनसेट हो रहा है। मैं सनसेट का बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, इस वजह से मैं सनसेट का टाइमलेस भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि क्राउड तो ओके है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ भी है वहाँ पे जो सनसेट के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो फिर वो सब नीचे आ जाएगी, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। और अभी यहाँ से अभी कोणार्क टेम्पल जा रहे हैं। कोणार्क टेम्पल जाने के बाद वहाँ से हम फिर से वापस पूरी जाएंगे। पूरी जाने के बाद फिर आज रात को मंदिर भी जाना है, क्योंकि कल सुबह 3 बजे हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मॉर्निंग पे हमको सनराइज़ मिलेगा, तो हम वापस से यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम चंद्रभागा क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, पता नहीं किस वजह से। शायद यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, इसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम है, और आगे कुछ थोड़ा दूर बस अभी और जाने का है। We'll be right back.